हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इन कलर्स। दिस इज़ रीना। देखिए, आज मैं आपके लिए जो DIY लेके आई हूँ, ये मैं विदाउट कलर यूज़ किए बनाए हैं और टोटली वेस्ट मटेरियल से बने हैं। हाँ, ग्लू ज़रूर यूज़ होगा आपका, अदरवाइज मैंने ऐसी कोई चीज़ इसमें यूज़ नहीं की जो आपके पास नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत ही यूज़फुल DIY है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक ग्लास लिया डिस्पोजेबल, जिसमें पेप्सी आती है हम लोगों की। ठीक है, इस ग्लास को मैंने रखा था, उस पर ग्लू लगाने के बाद उसको अच्छे से उस पर स्प्रेड कर दिया। एंड देन उसके ऊपर जो गिफ्ट रैप वाला पेपर आता है उसको अच्छे से पेस्ट कर दिया। इस काम को बड़े प्यार से कीजिएगा, उसको अच्छे से पेस्ट कर दीजिए, कहीं से भी सरवटे ना आए। ठीक है, उखड़ा उखड़ा नज़र ना आए। ये हमारा बनकर रेडी है नैपकिन होल्डर। देखिए, 1 मिनट में रेडी हो गया। बताइए फ्रेंड्स, कैसा लगा? चलिए चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। अब मैंने जो कॉरियर आते हैं ना, उसका जो कार्डबोर्ड बॉक्स आता है उसका यूज़ किया। इसका जो टेप था ऊपर का वो मैंने हटा दिया, बॉटम का मैंने लगा रहने दिया क्योंकि मुझे उसकी नीड भी नहीं लगी हटाने की, क्योंकि इससे अच्छे से फिक्स था ये बॉक्स। इसके बाद मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया जो उसके बॉटम जो था कार्डबोर्ड का, इसके इक्वल था। ठीक है, उससे मैंने हल्का सा उसको छोटा रखा। ठीक है, कट किया क्योंकि मुझे इस कार्डबोर्ड के पीस को इस बॉक्स के अंदर इंसर्ट करना था। ठीक है, इसलिए ये मैंने इस तरीके से कट किया। अब मैंने ये कपड़ा लिया है, अभी जो हम लोग कुर्ते खरीदते हैं ना उसके साथ स्लीव्स आती हैं, वो हैं जो वेस्ट होती हैं हमारी, लगवाओ चाहे ना ही लगवाओ तो वो रखी रहती हैं। ठीक है, उसको मैं रख लेती हूँ। अगर आपके पास ये क्लॉथ नहीं है तो बुटीक आसपास कहीं होगा, वो उनके पास इतने सारे कट पीसेस होते हैं, वो ऐसे ही दे देते हैं आपको, कोई भी मना नहीं करेगा। इसके बाद मैंने जो कार्डबोर्ड बॉक्स था उसके ऊपर फेविकोल अप्लाई किया। फेविकोल अप्लाई करने के बाद उसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लिया, कहीं से भी ग्लू छूटे ना। ठीक है, कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पर ग्लू ना लगे, क्योंकि वहाँ से कपड़ा आपका उठा उठा नज़र आएगा। यहाँ पर मैंने अच्छे से इस कपड़े को इस पर फिक्स कर लिया है। बाय चांस ये पूरा कपड़ा था, बिल्कुल उसके साइज़ के अकॉर्डिंग था मेरा। ठीक है, उसको कहीं से सरवटें आती हैं तो उसको आप खींच कर ठीक कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से, क्योंकि अगर फिनिशिंग नहीं होगी ना क्राफ्ट में तो फिर वो मज़ा भी नहीं आता, ऐसा लगता है कि हाँ खुद से बनाया है। अगर क्राफ्ट करो तो ऐसा करो कि सामने वाला पूछा कहाँ से ख़रीदा है, बनाया नहीं, कहाँ से ख़रीदा है। इसके बाद मैंने जो कार्डबोर्ड का पीस लिया था, ठीक है, उस पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, फेविकोल लगाएंगे एंड देन उसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे और उसके ऊपर भी ये कपड़ा पेस्ट कर दिया हमने, अच्छे से फिक्स कर देंगे इसको फेविकोल की हेल्प से। ठीक है, किनारे भी अच्छे से उसको फिक्स कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। देखिए, ये मेरा रेडी है। अब मैंने जो कपड़े को ऐसे ही लगा लिया था तो यहाँ कॉर्नर से हम लोग सीजर की हेल्प से कट लगा देंगे। ठीक है, कट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और पेस्ट कर देंगे। अब ये जो कार्डबोर्ड है ना उसका जो अंदर वाला पार्ट है, जो कपड़ा नहीं कार्डबोर्ड का जो अंदर वाला साइड है, देखिए जिस तरीके से मैं वीडियो में लगा रही हूँ ना, इस तरीके से हमने फेविकोल को लगाना है। ठीक है, और अच्छे से उसको स्प्रेड करने के बाद ये जो ऊपर वाली जो पट्टियाँ थी उसको अंदर की साइड इंसर्ट कर देंगे। ये मेरा एकदम परफेक्ट बॉक्स था, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ करने की नीड भी नहीं पड़ी। अब मैंने जो एक और जो बनाया था ना कार्डबोर्ड पीस लेकर उस पर कपड़ा पेस्ट किया था, इसको अब हम ऊपर से अंदर की साइड इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गया था, बिल्कुल ना ही ढीला था ना ही टाइट था, बहुत अच्छा ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए, ये बनकर रेडी है, इसमें मैंने कोई कलर नहीं यूज़ किया। अब मैंने इसके हैंडल बनाने थे तो मैंने मेरी जो पुरानी बैंगल्स थी कलर भी हट चुका था, इनका यूज़ किया है। इसके बाद मैंने यहाँ वाइट ऊन ली है, ठीक है, आपके घर में भी मिल जाएगी इजीली। ठीक है, इसकी 4 लेयर में मैंने इसको राउंड इसको पेस्ट कर दिया बाद में। ठीक है, और इसके बाद ये मेरे दोनों रिंग बनकर रेडी हो गए और बहुत इजीली बने। अगर मैं सिंगल धागा लेती तो बहुत देर में बनते। अब इन दोनों रिंग्स को मैंने दोनों साइड फेविकोल की हेल्प से इसको पेस्ट कर दिया। ये काफ़ी वेट उठाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ शो के लिए होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसमें सामान रखेंगे और उसको उठा लेंगे, नहीं, वो टूट सकता है। अब इसे आप एज ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं, इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट आप रख सकते हैं या फिर आप किचन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं।
किचन में सॉल्ट डिस्पेंसर और सॉसेज वगैरह डाइनिंग टेबल के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर के तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रात को हम ज्वेलरी उतार कर सोते हैं, जैसे आप अपने टेबल पर रख सकते हैं साइड में। बताइए फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा मेरा ये वाला क्राफ्ट। चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। अब मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप वो मिठाई के डब्बे होते हैं ना, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा बॉक्स होता ही है, मिल जाएगा आपको घर से। अब मैंने बीच में एक रेक्टेंगुलर शेप में इसको कट कर लिया, जिसमें आपकी फिंगर्स जो हैं इजीली इंसर्ट हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फिर से कपड़े का ही यूज़ किया है, मुझे ये कपड़ा बहुत सुंदर लगा इस DIY के लिए। सिंपल था, ठीक है, और प्यारा भी लग रहा था। इसको मैंने जो ऊपर वाला इसका ढक्कन था उसके साइज़ का कट कर लिया कपड़े को, और उसके बाद जो सेंटर में जो मैंने स्पेस बनाया था उसे भी एक कट लगा लिया वहाँ पर। अब मैंने ऊपर फेविकोल लगाया और अच्छे से उसको ब्रश की हेल्प से कवर कर दिया पूरे फेविकोल से, ठीक है, अच्छे से उसको स्प्रेड कर दिया। एंड देन मैंने उस कपड़े को उसके ऊपर पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको आप अच्छे से फिक्स कर लेंगे जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता, ठीक है। अगर कहीं से आगे पीछे हो रहा है तो उसको आप खींच कर या हटा कर दोबारा से सेट कर सकते हैं जब तक ये ड्राई नहीं होता, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेंगे, ये अंदर की साइड से मैंने कर लिया, फिर बाहर की साइड से करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल प्लेन कर लेंगे इसको, कहीं से सरवटें नज़र नहीं आ रही है इसमें। अब हमने इसका बॉटम पार्ट लेना है, बॉटम पार्ट पर भी एक पीछे के साइज़ का, उसके बॉटम के साइज़ का कपड़ा कट कर लेंगे, और उसके बाद उसका जो साइड वाला पोर्शन है उसके लिए हम उसके अकॉर्डिंग मेज़र कर लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे, ठीक है, इसे कट कर देंगे। अब वैसे ही सेम प्रोसेस हमने अप्लाई किया, फेविकोल लगाया एंड देन ब्रश की हेल्प से अच्छे से उसको स्प्रेड कर दिया, ठीक है। अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, कहीं से रहे ना, जहाँ से भी रहेगा वहाँ से कपड़ा नहीं चिपकेगा, वो उठा उठा नज़र आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से खींच खींच के आप उसको प्रेस करके सेट कर देंगे। जो किनारियाँ हैं ना वहाँ पर मैंने सीजर की हेल्प से उसको अंदर की साइड डाला है। देन अब इसको कवर करने के बाद हमने बॉटम वाले पार्ट को भी करना है। ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए। ये रेडी है, ऐसे अभी इन्हें बॉटम पर लगा दिया ताकि वो जो हमने नीचे की साइड उसको लगाया था वो बुरा ना लगे, ठीक है, उसको एक शेप मिल जाए, ठीक है। अब मेरे पास ये वाइट लेस थी, ये बहुत सस्ती सी आ जाती है, ठीक है, 5-10 रुपये मीटर आती है, और एक मीटर तो लगी भी नहीं है इसमें। अगर आपके पास लेस नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई पुरानी कोई ड्रेसेस है उसकी कोई लेस रखी है या कोई रॉप है, कुछ भी आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आउटलाइन के लिए। मैंने इसको पहले इसकी शेप में कट कर लिया था, ठीक है, एंड देन फेविकोल लगाने के बाद इसको मैंने पेस्ट कर लिया चारों तरफ से। देखिए इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। ऐसे ही मैंने जो ये ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर वाली साइड को ग्लू की हेल्प से ये लेस से कवर कर दिया। बहुत इजीली हो गया था, आराम से हो गया था, और जल्दी ड्राई भी हो जाता है, ना ही आपके हाथ गंदे होते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र मेरा रेडी हो गया है। इसमें अब हम क्या रखेंगे, हम अपने नैपकिन रखेंगे। इसको हमने बंद किया, अब हम इजीली नैपकिन को यूज़ कर सकते हैं, चाहे फैन चल रहा हो, कोई हमारा नैपकिन नहीं उड़ेगा ना ही गंदा होगा। देखिए, बताइए फ्रेंड्स आपको कैसा लगा। चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। अब मेरे पास ये हार्पिक की एक बॉटल थी जिसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने एक शेप ड्रॉ की इसके ऊपर, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया है। अब इसे मैंने चाकू गर्म करने के बाद, ठीक है, मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं जिससे ये इजीली कट जाता, मैंने गर्म चाकू करने के बाद इसको इस शेप में कट कर लिया, और जो नीचे वाला पार्ट था ना मैंने उसको भी निकाल दिया। देखिए यहाँ ये पार्ट को भी मैंने निकाल दिया है, ये पार्ट बचा है थोड़ा। अगर किनारे ऐसे लग रहे हैं खड़े खड़े तो आप उसको थोड़ा सा चाकू गर्म करके ठीक कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, क्योंकि मैंने कहीं भी कलर का यूज़ नहीं किया, यहाँ पर मैंने ग्लू का यूज़ किया और कपड़े का यूज़ किया है, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने कपड़े को
पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको ऐसे अच्छे से करने के बाद उसके बाद मैंने इसको सीजर से एक्स्ट्रा पार्ट जो था उसको कट कर दिया। इस काम को आप पहले भी कर सकते हैं कि इसके शेप में आप कपड़े को कट कर लीजिए एंड देन उसको पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरीके से करिए। मैंने सिर्फ आइडिया देना है कि मैंने ऐसे बनाया है, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसे भी अच्छे से कवर कर दिया चारों तरफ से। अब सेंटर का जो पार्ट था वहाँ पर कुछ नहीं था, तो वहाँ पर भी मैंने एक एक्स्ट्रा ये क्लॉथ का पीस लिया, ठीक है, और उसको सेंटर में पेस्ट कर दिया। ये आराम से हो जाता है, बहुत आराम से काम हो जाता है, बट थोड़ा सा ना हाथ पर ग्लू लग जाए तो उसको वॉश कर लीजिएगा। देखिए ये बीच में मैंने लगा दिया, सेंटर के साइड जो दिख रहा था ना ब्लू वाला पोर्शन, वो अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर इस तरीके से हम इसको पेस्ट कर डालेंगे, ठीक है। ये हमारा बनकर रेडी है मोबाइल होल्डर। इसको फेंको, कुछ करो, कुछ भी नहीं होगा, ना ही ये टूटेगा ना ही मुड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। बहुत लाइट वेट सा है, कहीं भी आप ले जा सकते हैं। ये आपकी वीडियो रेडी है। ओके फ्रेंड्स, बताइए आपको ये मोबाइल होल्डर कैसा लगा। देखिए कितना सुंदर है, इजीली आप इस पर अपनी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, जो हमारा लास्ट DIY है। अब इसके लिए मैंने ये प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, जो हमारी कुकीज़ वगैरह आती हैं, ठीक है, वो वाला। अब जो ये होते हैं ना हैंगर कपड़े वाले हमारे, ये मेरा टूट चुका था, ठीक है, और ये टूटते ही रहते हैं, आपको भी इजीली मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर प्लास्टिक का मिलता है तो बेटर है, क्योंकि इसमें लोहे की वायर होती है। इससे काटने में मुझे थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा, पता है, इसे ईजिली नहीं कटा, प्लास्टिक से बड़ी मुश्किल से कटा। अगर प्लास्टिक का होगा तो आराम से आपका हो जाएगा। इस वजह से मैं इसको शेप भी नहीं दे पाई। देखिए ये जो हैंगर वो थोड़ा सा बड़ा था, देखिए यहाँ से बड़ा आ रहा है, बट मैंने इसको पेस्ट कर लिया, क्योंकि मुझे अब ये DIY रेडी तो करना ही था। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर एमसील का यूज़ किया, क्योंकि मुझे ग्लू पर भरोसा नहीं था, क्योंकि इसको मैंने एज ए कंटेनर यूज़ करना है फ्रिज में, तो मैंने ये यहाँ पर एमसील का यूज़ किया, ठीक है। एमसील की हेल्प से मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। देखिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, नहीं तो ये पूरा पूरा आना चाहिए था, ठीक है, राइट हैंड साइड से जो है, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट जो है इधर वाला, इसको भी मैंने इसे सेट कर दिया, इसे ड्राई होने दिया। इसके बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर भी ये हाथ में लग सकता था, क्योंकि यहाँ लोहा था, तो मैंने ना यहाँ पर एमसील के दो बॉल्स बनाकर ना उसको जो किनारे थे इसको कवर कर दिया, ताकि वो हाथ में ना लगे, ठीक है, उसको ड्राई होने दिया। ये मेरा कंटेनर बनकर रेडी है। बाकी इस पर थोड़ा सा डाउट है कि एमसील की हेल्प से ये मजबूत बना रहे, ठीक है। इसे हम फ्रिज में एज ए कंटेनर यूज़ करेंगे वेजिटेबल रखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको इतने अच्छे अच्छे DIY दिए हैं, जिसमें 1% में मैंने किसी में भी कलर का यूज़ नहीं किया है। आप ही बताइए कि आपको मेरे जो क्राफ्ट हैं DIY कैसे लगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।